24 News, जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बलकटी भी बरामद कर ली है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि इस हत्याकांड में अभी भी दो आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल घटना बीते 17 अगस्त को पाली आनंदगढ़ी के चौकीदार ने थाना नरसेना पुलिस को एक अज्ञात शव पड़ा होने की सूचना दी थी, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस खुलासे से सामने आया कि मृतक जयपाल और आरोपी महिला के अवैध संबंध थे और ये दोनों साहिबाबाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था, जबकि पड़ोस में ही रहने वाला हत्यारोपी दिनेश उर्फ दीनू आरोपी सुनीता का पक्ष लेता था। धीरे धीरे दिनेश और आरोपी महिला एक दूसरे के करीब आ गए और मृतक जयपाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली, जिसके बाद जयपाल को पथरी की दवा पिलाने के बहाने आरोपी दिनेश ने अपने भतीजे पिंटू और भांजे अमित के साथ मिलकर किराए की गाड़ी से थाना नरसेना क्षेत्र के गांव आनंदगढ़ी के जंगल में ले जाकर बलकटी से जयपाल की गला रेतकर हत्या कर दी, जबकि हत्या आरोपी शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गए। सुनीता देवी, कोई मामला नहीं था भाई साहब, वो हमारे साथ रहते थे, उसको पथरी हो गए थे। अच्छा। पता नहीं हम कंपनी चले गए थे, इनसे वो बोला है कि मेरा दवाई पिलाने ले चलो, हम कंपनी से आए ना दवाई पिलाने, वो चले गए बस इतने में। हमारा साले 7 बजे छुट्टी होते थे। तो ये हत्या कैसे हुई? हत्या इन्होंने कहा। ये कौन है जिन्होंने हत्या की आपसे? ये हमारे बगल में कमरा लिए थे। मेरा नाम दिनेश है। ये करेक्टर लूज थे, उनके कॉन्टैक्ट गलत थे। अच्छा। मेरे भांजे की घरवाली जो उसके साथ भी इनके कॉन्टैक्ट हो गए थे, इस वजह से मुझे इनकी हत्या करनी पड़ी और इनके साथ मारपीट कर घर से हत्या की। एक मेरा भांजा है और एक मेरा भतीजा है। ना संबंध ऐसा नहीं था, जब मैं आया हूँ वहाँ से कमरा खाली करा करके, तो इनका कमरा खाली करा करके मैं ही लाया था इन्हें, ना मैं अलग रहता था। अब ये मेरे साथ रहेंगी तो नहीं रची कुछ साजी यही थी। मैंने फंक्शन को कहा, वो बोले चलेंगे भाई। उन्होंने 15 अगस्त को ये बात की अपने भतीजे से कि भाई मैं दवाई पीने जाऊंगा वहाँ। हम 16 अगस्त की रात को गए हैं तो दवाई पिलाने, और 1:30 बजे दवाई पिलाने ले गए। हम तो फंक्शन के उससे ले गए थे, फिर जाके वहाँ उनकी हत्या। देखिए, 17 अगस्त 2020 को एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या नरसेना थाना क्षेत्र के पाली आनंदगढ़ी गांव में हुई थी, जहां मृतक का शव मिला था। गले पर कटान के निशान थे, धारदार हथियार से गला काटा गया था। सबसे बड़ी समस्या पुलिस के समक्ष ये थी कि जो मृतक था उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। लगातार अथक प्रयास किए गए, लेकिन स्थानीय स्तर पर आसपास के जनपदों से इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। थाना प्रभारी नरसेना के द्वारा निरंतर अथक प्रयास करते हुए तमाम तरह से अभिसूचनाएं संकलित की गई और मृतक की शिनाख्त जयपाल के रूप में हुई, जो शाहजहांपुर जनपद का रहने वाला था। जयपाल श्रीवास्तव उसका नाम था, परोर थाना शाहजहांपुर का रहने वाला था। वो लेबर का काम करता था गाजियाबाद में। जो प्रकरण के अनावरण के बाद जो वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है, उसमें पाया गया कि ये गिरफ्तार जो महिला है ये बंगाल की रहने वाली है, बिहार की रहने वाली है, और इस महिला के संबंध मृतक से थे, जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके साथ मृतक जयपाल से जब इसका संबंध खराब होने लगा, तो इसके जीवन में दिनेश ठाकुर, जो गिरफ्तार अभियुक्त है, ये संपर्क में आया। ये दिनेश ठाकुर के साथ रहने लगी और इसी उद्देश्य से, इसी विवाद के कारण उसकी हत्या जयपाल की इन लोगों के द्वारा की गई। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी उल्लेखनीय हैं, शातिराना तरीके से की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश ठाकुर रहने वाला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है, लेकिन गाजियाबाद में नौकरी करता है। हत्या के दो मामलों में, हापुड़ से
और गुलावटी जनपद बुलंदशहर से पूर्व में जेल जा चुका है। इसने अपने साथ अपने भांजे और भतीजे को भी इस घटना में सम्मिलित किया, जहां पे शव को फेंका गया था। घटना स्थल वाला जो स्थान है नरसेना थाना क्षेत्र में, उसी गांव में इसके भांजे की, इसका भांजा है अमित, उसकी शादी हुई थी, जिसका अपने ससुराली जनों से संबंध अच्छा नहीं था। उन लोगों को भी इस मुकदमे में फंसाने के इरादे से हत्या करने की जो योजना बनी, उसमें शव को उसी गांव में फेंकने की बात बनाई गई, ताकि इसके भांजे के जो ससुराली जन हैं उनको हत्या के मामले में गलत तरीके से फर्जी फंसा दिया जाए। तो इस तरह अभियोग का अनावरण हो गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी कर ली गई है। मृतक का आधार कार्ड इनके कब्जे से बरामद हुआ है। मृतक के भतीजे और भाई के द्वारा उसके शव की शिनाख्त की जा चुकी है और शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दिनेश शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर पहले भी हत्या के मुकदमे दर्ज हैं, जबकि हत्या आरोपी दिनेश का भतीजा पिंटू और भांजा अमित अभी भी फरार है और पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।